पवन सिंह के जीवन में किसी फैमिली का जगह है क्या? पवन सिंह के जीवन में फैमिली को अगर आप जगह दिए होते तो फिर अंत में ज्योति सिंह को अंत में ये नहीं बोलना पड़ता कि अब हम सीएम साहब से मिलेंगे, पीएम साहब से मिलेंगे। अगर बातें कट टू कट बोलने की होगी तो आप अपने फैमिली को आपने कितना समय दिया? आप तो अपने फैमिली को कोर्ट कचहरी घुमा दिए, तो फिर आप किस फैमिली की बात करते हैं, किस फैमिलियर लेवल की बात करते हैं? आप अपनी फैमिली का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप दूसरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं? पवन जी जिस प्रकार से उनका जो निजी जीवन जिस प्रकार से बिल्कुल रोड पे आ चुका है, आखिर ज्योति सिंह कौन है? हमारी बहन हमारी बेटी की तरह ही तो हैं। बिल्कुल, जितनी हमारी बहन बेटी की इज्जत है उतना तो ज्योति सिंह का भी इज्जत है ना। वही खेसारी जी की बात अगर हम करें, तमाम चीज़ें तमाम अफेयर की बातें उड़ती रहती है, लेकिन उसके बावजूद आप देखते होंगे कि अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कितना अच्छा रहा था। और पवन जी को खेसारी जी से ये सीखना चाहिए कि निजी जीवन को कैसे प्रोटेक्ट करना है हमें। रही बात जैसे एक फैमिलियर लेवल पे अगर हम जाएं, तो फैमिलियर लेवल पे पवन जी कभी भी अपने जो निजी ज़िंदगी है उसको वो संभाल नहीं पाते हैं, ये वहाँ पे उनकी कमी है। कान के कच्चे हैं, कान के कच्चे दोनों हैं, पवन जी भी खेसारी जी भी। थोड़ा सा कुछ बोल दीजिएगा, भैया वो उसे बोल रहा था, अब वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ फलना सही में बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था, अगला से पूछेंगे नहीं, वो तुरंत भर में अच्छा वो इसे बोल रहा था, चलो वो टीम से आउट हो गया। तो ऐसे करके आप एक सुपरस्टार, रियल सुपरस्टार नहीं बन सकते हैं। ऐसे करके वही छिछोरा वाला सुपरस्टार आप बनिएगा। आप कान के कच्चे नहीं हुई है ना, कान का पक्का बनिए। रही बात पवन जी की, तो पवन जी जिस प्रकार से उनका जो निजी जीवन जिस प्रकार से बिल्कुल रोड पे आ चुका है, बिल्कुल पब्लिकली हो चुका है, ये नहीं होना चाहिए। ये कैसे सुपरस्टार भाई, कैसा सुपरस्टार जो आप मैंने इस प्रकार से आप अपने जीवन को एकदम बिल्कुल तार तार कर दिए हैं? आखिर ज्योति सिंह कौन है? हमारी बहन हमारी बेटी की तरह ही तो हैं। बिल्कुल, जितनी हमारी बहन बेटी की इज्जत है उतना तो ज्योति सिंह का भी इज्जत है ना। बिल्कुल है, तो फिर आप ये जो कर रहे हैं, या तो आप कोर्ट में जा करके मैटर को सॉर्ट आउट कर दीजिए। आप क्यों आप जैसे पर डे कोर्ट कचहरी आप घुमा रहे हैं? एलिगेशन भी लगाया है मीडिया में, पहली बार ज्योति सिंह आई है, कहा है कि हर बार वो तारीख पे नहीं आते हैं, मुझे आना पड़ता है, बहस होती है, लेकिन मैं बहस पे पहुंचता हूं, लेकिन पवन सिंह नहीं पहुंच पाते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है, जैसे पवन सिंह नो डाउट बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत हम पसंद करते हैं पवन सिंह गायकी को, लेकिन जैसे उनका निजी जीवन जो है जिस प्रकार से विवादास्पद रहा है, कटघरे में रहा है, इस पे पवन जी को ध्यान देना चाहिए। ये पवन जी के करियर के ऊपर एक धब्बा है, उनकी जैसे पूरी अगर हम उनकी जीवन की अगर बात करें तो उस पे एक धब्बा है कि उनका निजी जीवन जो है वो कभी भी सुरक्षित नहीं रहा है। वहीं खेसारी जी की बात अगर हम करें, तमाम चीज़ें तमाम अफेयर की बातें उड़ती रहती है, लेकिन उसके बावजूद आप देखते होंगे कि अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कितना अच्छा रहता है। और हमेशा उनकी पत्नी को भी देखा जाता है बहुत सारे मौके पे, कि जैसे चाहे वो बर्थडे हो, सालगिरह हो, हाँ उस पे वो अपनी पत्नी को फैमिली को टाइम देते हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। खेसारी जी को भी पवन जी से कुछ सीखना चाहिए, और पवन जी को भी खेसारी जी से कुछ सीखना चाहिए। खेसारी जी को पवन जी से ये सीखना चाहिए कि मीडिया में बहुत कम पवन सिंह बोलते हैं, बहुत कम लाइव पवन सिंह आते हैं। खेसारी जी बहुत जल्दी जल्दी कुछ बोल दिया, आ गए तुरंत भर में। और पवन जी को खेसारी जी से ये सीखना चाहिए कि निजी जीवन को कैसे प्रोटेक्ट करना है हमें, ये पवन जी को सीखना चाहिए। टाइम का पंक्चुअलिटी क्या होता है ये खेसारी जी ने प्रूफ किया है। अगर हम बात करें पहले के जो सबसे बड़े सुपरस्टार कुणाल सिंह जी, टाइम के पंक्चुअल, वैसे ही खेसारी जी टाइम के पंक्चुअलिटी को जिस प्रकार से पेश किए हैं अपने करियर में, ये पवन जी को सीखना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर ये सब अगर आपस में सिर्फ संगोष्ठी के तौर पे नहीं, अगर रियल में मिलाप हुआ है तो भोजपुरी के लिए अच्छी चीज़ है। और ख़ास करके चूँकि रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी वहाँ मौजूद थे, तो उम्मीद करते हैं कि भोजपुरी के लिए भी कुछ अच्छी हो, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। बिल्कुल, ये तो चर्चा होना चाहिए। लेकिन जब वहाँ पे रवि किशन जी मिला रहे थे उस टाइम, तो पवन जी का सबसे बड़ा जब मिलने के समय में बात विवाद तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन जब मिलने के समय में एक चीज़ पवन सिंह को कमी आया, उन्होंने डायरेक्ट बोला कि भाई अगर विवाद करो ठीक है, लेकिन पर्सनली फैमिलियर पे मत जाओ, अगर फैमिली पे आता है तो ये ठीक नहीं है। इस टाइप से उनको कमी खला भी वहाँ पे, जैसे आपने बयान दिया, तो ये भी देखने का कुछ है। नहीं नहीं सर, पवन जी किस फैमिली की बात करते हैं?
किस फैमिली की बात करते हैं, उनका फैमिली है कौन? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि विवाद का बात बन जाए, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पवन सिंह को, किस फैमिली की बात करते हैं? आपने फैमिली को जगह दिया है क्या अपने जीवन में? पवन सिंह के जीवन में किसी फैमिली का जगह है क्या? पवन सिंह के जीवन में, क्योंकि हम भी एक कलाकार हैं, नहीं बोलना चाहते हैं, पवन सिंह के जीवन में जिस चीज़ का जगह है वो फैमिली नहीं होता। फैमिली को अगर आप जगह दिए होते तो फिर अंत में ज्योति सिंह को अंत में ये नहीं बोलना पड़ता कि अब हम सीएम साहब से मिलेंगे, पीएम साहब से मिलेंगे। बहुत तकलीफ होती है, बहुत अच्छे आप स्टार हैं, आपने हमारे बुरे वक्त में काम भी दिया है, बहुत आप साथ भी दिए हैं, लेकिन खेसारी जी से ज़्यादा साथ दिए हैं पवन सिंह हमको, लेकिन उसके बावजूद अगर बातें कट टू कट बोलने की होगी तो आप अपने फैमिली को आपने कितना समय दिया? आप तो अपने फैमिली को कोर्ट कचहरी घुमा दिए, तो फिर आप किस फैमिली की बात करते हैं, किस फैमिलियर लेवल की बात करते हैं? आप अपनी फैमिली का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप दूसरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो जैसा आपने बोया है वैसा काट रहे हैं आप।